आज धोरण 11 विषय हिंदी पाठ गद्य 12 दुख उनका लेखक यशपाल के बारे में दुख कहानी में लेखक के दो ऐसे परिवार की समस्या जो है वो आपके सामने रखी है। लेखक यशपाल का उसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में दुख कहानी दो ऐसे परिवार है जे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं विद्यार्थी मित्रों में आशा करता हूं जब ये दुख कहानी जब पढ़ते हैं तब अपनी किताब खुली रखकर जो मैं पढ़ाता हूं वो आप ध्यान से पढ़े, वही मेरी विनंती है। विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए उनका लेखक का परिचय। यशपाल उनका जन्म 1903, उनका निधन 1976 में उनका मृत्यु हुआ था। यशपाल जी का जन्म पंजाब के कांगड़ा जिले में हुआ था। उनका पिता का नाम हीरालाल और माता प्रेमा देवी एक सामान्य परिवार के थे। यशपाल प्रारंभिक शिक्षा स्कूल कागड़ी स्कूल में हुई थी, गुरुकुल कागड़ी गुरुकुल में हुई थी। उस शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में उनका शिक्षण लिया गया था। सरदार भगत सिंह और सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों का उनके प्रभावित कर दिया गया था। मित्रों ये दोनों सुखदेव जी और सरदार भगत जी वो महान देश के नेता, महान एक क्रांतिकारी, देश के आजादी दिलाने के लिए उनका महत्व दिया गया था। उनका जो विचार था उनके मन में प्रभावित कर दिया था लेखक ने। उसके बाद क्या होता है, होकर क्रांतिकारी दल का एक सदस्य बना, सदस्य गुजराती में कहते हैं तो एक सभ्य बनया से सदस्य बने। उसके बाद जेलवास भी भोगे, कलावास भी उसने किया गया। इन मार्क्सवादी ये विचारधारा के समर्थन थे। आज दुख कहानी आप पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में आगे देखिए। प्रस्तुत ये दुख कहानी अपने ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोग के दारुण गरीबी उसे कहते हैं दुख कहते हैं कि यथार्थ चित्रण किया गया है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल और बेबस परिवार की ये हृदय विदारक कंगाली का वर्णन किया गया है। दूसरी ओर से उच्च जिसके पास कुछ कमी नहीं है वो परिवार सुखी और संपन्न परिवार में भी वो दुख देखने मिलता है। आगे देखिए, संतुष्ट न होकर आपको दुखी समझती है।
दुख भरी परिस्थिति तुलना कर कहानी ने नायक बना गया है। तो छात्रों, आज ये दुख कहानी में मैं एक कहानी के बारे में बताना चाहता हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। ये कहानी में दिलीप और हेमा दोनों पति पत्नी हैं। दिलीप हेमा से अति आवश्यक उसे कहते हैं, वो चाहते हैं। बाद में दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, जो करना है वो करने के लिए छुट्टी दे दी गई है। दिलीप और हेमा में एक सामान्य सा घटित घटना बनती है। वो घटना क्या है? एक दिन दिलीप के घर दिलीप की सहेली उनके घर आती है, और दूसरे दिन दोनों फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में जाते हैं। सिनेमा देखने के लिए जब जाते हैं, तब वो सहेली और दिलीप दोनों वापस लौटते हैं। तब हेमा घर पर अकेली है, वो रुखी सी रूठी हुई थी। बाद में वो हेमा उसके घर के छोड़कर उसे मायके चले जाती है। तब दिलीप उनके घर में, उनका एक छोटा सा भाई है और नौकर है। बारिश का मौसम है, एक तरह बारिश बरस रही है, वर्षा ऋतु का सितंबर महीना चलता है, तो ये बारिश का मौसम है। और खिड़की के पास वो बैठे हैं, बारिश पड़ रही है, और धीरे धीरे उनका पर्दा हटाकर देखते हैं तो बारिश थम गई थी। दिलीप ने सोचा कि घर में अकेले ही बैठकर क्या करूं, तो उनसे चिंता मुक्त को छोड़कर वो बारिश थम जाने के बाद वो साइकिल लेकर टहलते टहलते बाजार के वो एक मिंटो पार्क वो है, वहां जाने चाहते हैं। जब दिलीप साइकिल लेकर वो मिंटो पार्क चले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल टहलते हैं, तो शाम के 6 बज गए हैं। बारिश की मौसम में जब वो जाते हैं, तब वहां जाकर बैठते हैं, बेंचिस पर बैठकर वो सोच रहे हैं बाद में ठंड लग न जाए, इसीलिए उसके साथ टोपी ले गए हैं, वो भी सिर दर्द न हो पाए इसीलिए वो पहन देते हैं। बाद में वो सोचते सोचते मिंटो पार्क से वो सोचते सोचते वो रात को 9 बज गए हैं। 9 बज के बाद वो साइकिल टहलते टहलते आते थे, तब अंधारी रात में एक रोड रास्ते के समीप में एक छोटा सा बालक, एक खोमचे वाला ये थाली में ये ढेरिया लगाकर बैठा था। दिलीप ने सोचा कि इतनी अंधारी रात हुई है, ये रास्ते के में ये कौन सी आवाज रख रही है? तो एक छोटा सा बालक और उनकी थाली में एक पकौड़िया की ढेर लगाकर और बैठा बैठा ठुठू रहा था। ठंड लग रही थी क्योंकि बारिश हुई थी, वर्षा ऋतु का समय था, और उसे ठुठू रहा था। बाद में दिलीप ने सोचा कि ये छोटा सा बालक यहाँ क्या कर रहा है,
तो उसने वहां पर जाकर देखा तो ये बालक ये पकोड़े की ढेरिया लगाकर वो बैठा था। दिलीप उस बालक के पास जाकर कहते हैं कि ये पकोड़े कितने दाम के, तो वो छोटा सा बालक ने उसने कहा कि 8 पैसे के पकोड़े। दिलीप ने मन में ही मन में उसने सोचा कि कहीं ना कहीं उसकी व्यथा उसका दुख होगा, इतना छोटा सा बालक इतने 9 बजे तक यहाँ ये पकोड़े बेच रहे हैं। तो दिलीप उसके सामने मुस्कुराकर कहा तो उसने के सब 8 पैसे में ही डेरिया मिलेगी। तो दिलीप ने ये सारी डेरिया उसे ले ली। उसने छोटा सा बालक ने उसने कहा ये डेरिया थी उसके पास रुमाल था उसमें बांध कर दे दिया। वो छोटा सा बालक वहां पर उसके साथ थाली थी वो थाली उसके छाती पे चिपट कर वो धीरे धीरे ये बारिश हुई थी और नीचे पानी था पानी में फंसा चप 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 चल रहा था। दिलीप ने उसे कहा कि मैं उसने ये 8 पैसे की ढेरिया थी तो उसने 1 रुपया दिया तो 1 रुपया था उसके ये छोटे से बालक के पास छुट्टे नहीं थे। बाद में बालक कहते हैं कि सर जी साहब बाबू कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। तो उसने कहा कि घर पर तो होगा नहीं। तो बालक उसे सोचता है घर पर इसी कंगाल है घर पर छुट्टे पैसे नहीं है बाबूजी से कहाँ क्या कहाँ से लाकर देऊंगा। तो बाबू तब उसे छोटा बालक ने कहा तो नहीं है तो दिलीप ने कहा कि मैं आपके घर कहाँ पर है। तो उसने छोटा सा बालक ने कहा कि सामने ये रास्ता पड़ता है उसके पास एक छोटा सा खिड़की है और खिड़की के पास मेरा घर है। तो दिलीप ने कहा कि आप चलो मैं भी आपके घर आऊँगा। तो वो छोटे से बालक ने कहा कि मेरे घर पर छुट्टे पैसे नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते करते उनके घर जाते हैं। तो दिलीप उसे पूछते हैं कि तुम्हारा बाप क्या करता है और घर में कौन कौन है। वो सब बात ये रास्ते में दोनों ये करते करते जाते हैं। दूसरे जाते हैं तब रास्ते में उसे ये बालक उनके बाप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप मर चुका है। बाद में वो भी उसे दिलीप में मन में क्षोभ लगा दुख लगा इसीलिए छोटा बालक। तब उसने फिर से कहा कि घर और दूसरा कौन है मेरी एक माँ है मेरे बहन नहीं है। तो माँ क्या करती है दिलीप ने पूछा क्या करती है तो उसने कहा बस घर पी है एक बाबू के घर बर्तन चोखा करने के लिए वो काम करती थी लेकिन बाबू ने उसे निकाल दिया। बाद में निकाल दिया तब वहां पे जब काम करती थी तब उसे 250 रुपये मिलते थे। बाद में 250 रुपये में काम करने के काम करती थी वहां से निकाल दिया और वहां पे एक दूसरी जो दूसरी औरत थी उसने रख लिया वो 200 रुपये में काम करती है इसीलिए मेरी माँ को वहां से निकाल दिया गया। बाद में मित्रों ये वहाँ पे ये दोनों बातें करते करते उन काली सी खिड़की और खिड़की के पास वो छोटा लड़का जब उसके घर जाता है तो दौड़ कर घर में चले जाते हैं। दिलीप ने सोचा वहाँ जाकर खड़ा देखा तो सामने एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी अने काली सी गटा पर बिजली का लैंप जब जल रहा था उनका प्रकाश सामने जो खिड़की थी वहाँ पर उसके पड़ रही थी तब ने देखा तो काली सी वहाँ पर काली सी एक छाल उसमें कहते हैं चादर उसे कहते हैं। तो ये उड़कर एक बूटी सी और एक माँ वहाँ पर निकली।
माँ ने उसे कहा कि हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, आप ये पैसे वापस ले जाइए और छुट्टा करके दीजिए। तब दिलीप ने मन में लगा कि ये अत्यंत दारुण गरीब परिस्थिति है। तो उसने दिलीप ने कहा, रख लीजिए, मेरे को कहीं ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा बालक है, उसके लिए खाना ले जाइए, खाना लेकर उसे खिलाइए। तब दिलीप माँ मना कर देती है, नहीं, आपका ये रुपया ले जाइए, कल मेरा बालक आपके पास आएगा और ले जाएगा। बाद में मित्रों, ये एक रुपया देकर वह वहाँ से भी दिलीप निकल जाता है। थोड़े आगे कर रुक कर वो सारी परिस्थितियाँ देखता है। तब ये छोटा सा बालक माँ से कहती है कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। तब ये वो माँ एक काली अंगूठी में मियाँ से ये एक दो रोटी निकालती है और एक सूखी सी रोटी है। इस सूखी सी रोटी निकालकर और उसके 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 साथ नमक के साथ उसे खिलाने देती है। तो छोटा सा बालक उसे कहते हैं कि ये सूखी सी रोटी और उसके साथ नमक कैसे मैं खाऊं। तो वो उनकी माँ कहती है, कहा बाबूजी एक रुपया दे दिया है, सुबह में दाल लेकर लाऊंगा, उसे तुझे खिलाऊंगा। तो वो बालक करता है और मना कर देते हैं। मना करते के बाद वो उसके मन में दुख क्षमा लेते हैं। बाद में थोड़ी देर के बाद वो बालक फिर से उसके माँ कहती है, माँ से कहता है कि माँ तूने खा लिया। तो छोटे से बालक ने फिर से कहा तूने खा लिया, सिर्फ मित्रों दो ही रोटी थी और दो ही रोटी में माँ ने सुबह में खाया भी नहीं था, इसीलिए वो माँ उसे मना करती है, मैंने खा लिया बेटा, आप तुझे खा लीजिए। बाद में दो रोटियाँ थी, दो में से एक रोटी उसने माँ ने दे दी और एक रोटी उसके पास रखी। तभी वो माँ एक नमक के साथ खाने के लिए तब जो देखती है तब वो सोचती है कि इतनी गरीबी ही, वो सब जो माँ और बेटे ने जो कर रहे थे वो सब दिलीप वो देख रहे थे। उसके बाद वहाँ पे चले जाते हैं, मिंटो पार्क से चलते चलते उनके घर आते हैं। घर आते ही वो नौकर ने उसे कहा, क्योंकि उसे कहा दिलीप भरे दिल से मकान पर आते हैं और नौकर से पता चला कि एक भद्र पुरुष आए थे कुछ थोड़ी देर कर बैठकर वो चले गए। उसके नाम भी बताए और दिलीप ने सोचा कि वो जो माँ और बेटे ने जो दुख भरी कहानी थी उसके मन में यहाँ पर आप घूम रहे थे और विचार कर रहे थे क्या करें। और सब कुछ वहाँ जाते हैं तो नौकर ने दुलाकर देखा तो ये मना कर दिया, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं है। तब दिलीप ने मन में ही एक ही वो जो माँ और बेटे के जो दुख जो सुखिया रोटी थी उसे ही मन में वो विचार ही चल रहा था। बाद में उनका एक छोटा सा भाई था और छोटा सा भाई वो साइकिल लेकर आता है तो उसे एक लिफाफा लेकर आता है। लिफाफे में उनकी पत्नी हेमा का ये पत्र लिखा हुआ था और पत्र में जो लिखा हुआ था तो ये पत्र में उसे देखकर हुआ तो दिलीप ने उसे पढ़ा तो इसमें ये उनकी पत्नी हेमा ने लिखा था, मैं इस जीवन में दुख को ही देखने के लिए मैं पैदा हुई हूँ। इतना ही पढ़ा तो दिलीप ने ये पत्र फाड़कर फेंक दिया। दुख तो तूने देखा नहीं है, देखिए दिलीप ने ये पत्र फाड़कर फेंक दिया। उनके तो दिमाग में ये झोंपड़ी वाली वो कहानी थी वो उनके सामने घूम रही थी। देखते में माँ बेटे के दुख
वो चित्र उसके सामने वो लगते थे। उससे मुंह से निकला, काश तुझे जिंदगी में काश तुम्हें जानती कि दूध किसे कहते हैं, वो तुझे जाना नहीं है। तो बिता तो आज ये दुख कहानी में दो ऐसे जो परिवार है, तो अलग अलग ये कहानी की ये यशपाल जी ने दिया गया है। ये कहानी के बारे में आप ये पढ़े, उसके बाद आगे भाग दो में पाठ के पढ़े, उसके बाद आगे देखेंगे। अस्तु, जय श्री स्वामीनारायण।